अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नासिर हुसैन शाह। आज मैं बात करूँगा जूम के हवाले से। जूम के थ्रू आप किस तरह आप अपने स्टूडेंट के साथ या अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या कोई अगर डॉक्टर है तो वो अपने पेशेंट के साथ किस तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पर जाकर आपने जूम लिख देना है। ये जूम क्लाउड मीटिंग शो हो रही है, इसी को आपने क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे साइन अप, साइन इन और ज्वाइन ए मीटिंग के ऑप्शन आ रहे हैं। मैं साइन इन कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट है। तो गूगल के थ्रू मैं जाऊँगा और यहाँ से मैं अपना गूगल का जो अकाउंट है उसके थ्रू इसको साइन इन करूँगा। यहाँ से मैंने अकाउंट अपना सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ से जूम को लॉन्च कर लेते हैं। तो ये अभी साइन इन हो जाएगा गूगल अकाउंट के थ्रू। और जूम के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जूम के अंदर, ये मेरा अकाउंट ओपन हो चुके हैं, जूम के अंदर आप एक वक्त में कम से कम 100 लोगों के साथ आप मीटिंग कर सकते हैं, जो कि फ्री वर्जन है। अगर आप इसका पेड वर्जन हासिल करते हैं तो उसमें अनलिमिटेड आप लोगों को ऐड कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है, बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसको आप मोबाइल के अलावा आप लैपटॉप के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप के ऊपर जाना चाहें तो आप वहाँ पे भी बड़ा इजी है। आप अपने ब्राउज़र में जाएँ, गूगल के ऊपर जाके लिख लें आप जूम डाउनलोड, तो फर्स्ट जो आपके पास शो हो जाएगा वहाँ पर जूम मीटिंग का जो लिंक आएगा उसको क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चलते हैं। तो ये मीटिंग का ऑप्शन आ रहा है, ये मेरी आपके पास ये शो हो रही होगी पर्सनल मीटिंग आईडी। तो ये मीटिंग आईडी अगर मैं किसी को सेंड इनविटेशन करना चाहूँ तो यहाँ से मैं मैसेजेस के थ्रू, ईमेल के थ्रू, स्काइप या इसका जो यूआरएल है वो कॉपी टू क्लिप बोर्ड कर दूँ तो ये कॉपी हो जाएगा। वो भी मैं किसी को अगर व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक मैसेंजर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर मैं सेंड करना चाहूँ तो वो यहाँ से सेंड हो जाएगा। तो ये मीटिंग आईडी अगर आप किसी से मीटिंग करना चाहें तो आप उसको यहाँ से ये इनविटेशन भी दे सकते हैं मैसेज के थ्रू, जिस तरह भी। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्टैक्ट की डिटेल आ रही है, आप अपने कॉन्टैक्ट को भी, के लोगों को भी जूम पर इन्वाइट कर सकते हैं। इसके अलावा ये सेटिंग है, अगर आप ये सारी चीज़ें उसके बाद अगर आप इसको साइन आउट करना चाहें तो यहाँ से आप सेटिंग में जाके, और ये बिल्कुल एंड में साइन आउट का आते हैं। लेकिन मैं आपको एक कुछ और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये अच्छा, यहाँ पे इसमें ना मीटिंग के साथ चैट का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आप मीटिंग कर रहे हैं, आपने कोई चीज़ आपने किसी, फॉर एग्जांपल आप एज ए टीचर हैं, होस्ट हैं, तो आप अपने स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन करना चाहें तो जब आपकी मीटिंग कनेक्ट हो जाएगी उस वक्त वहाँ पर ऑप्शन होती है चैट में, वहाँ पर जाके आप चैट के ऊपर आप लिख सकते हैं जो भी आप क्वेश्चन वगैरह लिखना चाहें। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आपने किसी को ये लिंक सेंड किया अपनी मीटिंग आईडी का, जैसे ये मीटिंग आईडी इसका लिंक सेंड किया हुआ है, तो वो उस लिंक पे क्लिक करेगा, लेकिन उसके जो स्केड्यूल टाइम है उस टाइम के मुताबिक अगर आपकी मीटिंग शेड्यूल हुई हुई है तो उस मीटिंग के टाइम अगर वो लिंक पर क्लिक करता है तो आपके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा वीडियो और ऑडियो दोनों के थ्रू। और वीडियो ऑडियो आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ कि जब वीडियो और ऑडियो आपकी होती है कनेक्ट, उसमें यहाँ पे वीडियो और ऑडियो का निशान आता है, उसके ऊपर क्रॉस लगा होता है। अगर क्रॉस लगा हो तो अगर आप कैमरा ऑन करना चाहें तो क्रॉस को ख़त्म कर दें वीडियो के, और वॉइस के जो ऊपर निशान होता है क्रॉस का, आप उसको ख़त्म करेंगे तब आपकी ऑडियो शेयर होगी, आपके स्टूडेंट तक जा सकती है, या कोई अगर डॉक्टर बात करना चाह रहा है तो वो उस पेशेंट तक तभी आवाज़ जाएगी। इसके अलावा जी ये सेटिंग है, सेटिंग में ये तमाम तरीक़ेकार, बड़ा सिंपल सा तरीका है और बड़ा आसान से। तो जो लोग एज ए होस्ट हैं या एज ए टीचर या एज ए डॉक्टर कर रहे हैं उनके लिए तो ये तरीक़े हैं। अगर एक जो स्टूडेंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, वो किस तरह इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनके पास आपका ऑलरेडी जो लिंक भेजा होगा आपका मीटिंग का जो लिंक होगा उस लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो ज्वाइन करेंगे तो वो डॉक्टर अपने टीचर या ट्यूटर से कनेक्ट हो जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।